गाइस, मैं अशोक, आप देख रहे हैं ऑटो टैक जोन। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, एक बार फिर से आपके लिए लेके आ गए हैं ऑटो जगत की सारी खबरें। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपको ऑटो जगत की सारी खबरें देने वाला हूं। तो काफी सारी खबरें लेके आया हूं जो आपके लिए काफी यूजफुल होंगी, काफी नॉलेज वाली और काफी इंफॉर्मेटिव ये वीडियो आज होने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें क्योंकि बहुत एक से एक न्यूज आपको इस वीडियो में आज देने वाले हैं। अपकमिंग लॉन्चेस के बारे में बताने वाले हैं, जो ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं उसके बारे में भी आपको कुछ खबरें देने वाला हूं। कुछ अच्छी खबरें हैं आपके लिए, कुछ बुरी खबरें भी। बुरी का मतलब कुछ खबरें आपकी जेब पर भारी होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, तो सब कुछ बताएंगे आज की इस वीडियो में आप लोगों को। तो वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करिएगा। अगर वीडियो स्किप करेंगे तो आपकी नॉलेज, तो आपकी कुछ खबरें स्किप हो जाएगी, तो समझ लीजिए आपकी नॉलेज भी, आज की इस वीडियो की नॉलेज है वो भी आपकी स्किप हो जाएगी। तो मेक श्योर वीडियो को पूरा देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो अपनी पहली खबर के साथ। तो पहली खबर मैं बता दूं दोस्तों, रॉयल एनफील्ड की तरफ से भर भर के खबरें आ रही है दोस्तों, भर भर के खबरें आ रही है। 5-6 स्टार्टिंग की आप कह सकते हैं, 5-6 न्यूज रॉयल एनफील्ड के ऊपर ही होने वाली आज, क्योंकि काफी कुछ चल रहा है रॉयल एनफील्ड के खेमे में, काफी कुछ पक रहा है। बहुत सारे प्रोडक्ट पाइपलाइन में है, बहुत सारे प्रोडक्ट टेस्टिंग में है और कुछ प्रोडक्ट लॉन्च भी होने वाले हैं दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं रॉयल एनफील्ड की तरफ से। पहली न्यूज है दोस्तों, क्लासिक नेक्स्ट जनरेशन क्लासिक 350 लेटेस्ट स्पाई शॉट, आप कह सकते हैं लेटेस्ट वीडियो, उसकी इंटरनेट पर बवाल मचा रहे हैं। जी दोस्तों, एक तरीके से बवाल ही मचा रही है। बहुत ही जल्द आपको क्लासिक 350 न्यू जनरेशन विद मेटियोर वाले इंजन के साथ आपको जल्दी ही मार्केट में देखने को मिलेगी। जल्दी वो गाड़ी लॉन्च होने वाली है। आप वीडियो पे उसकी इमेज भी देख रहे होंगे और इमेज के बाद आपको स्पाई वीडियो भी देखने को मिलेगी, जिसमें वो कंप्लीट प्रोडक्शन रेडी वर्जन में रोड पर टेस्टिंग चल रही है विदाउट एनी कैमोफ्लेज। उसके ऊपर कोई रैपिंग नहीं है, कंप्लीट प्रोडक्शन वर्जन ब्लैक कलर में सारे स्टिकर के साथ ये गाड़ी को रोड पर टेस्ट करते हुए देखा गया है। तो आप स्क्रीन पर इस वक्त ये वीडियो देख रहे होंगे। तो काफी कुछ चेंज है दोस्तों इस गाड़ी में, कह सकते हैं कंप्लीट न्यू गाड़ी है। ऐसा नहीं है अगर पेंट स्कीम वही रखी गई है, गाड़ी की शेप को वही रखा गया है तो ये एक पुरानी गाड़ी, ऐसा नहीं। इसमें कम्प्लीटली न्यू इंजन है, आपको मेटियोर वाला इंजन ही इसमें आपको देखने को मिलेगा। न्यू शैशी है, डबल क्रेडल फ्रेम पर इसकी शैशी इस वक्त बनाई गई, तो डेफिनेटली आपको वाइब्रेशन फ्री है बाइक मिलने वाली है। सीटिंग के ऊपर काम किया गया है, इसकी ज्योमेट्री के ऊपर काम किया गया है। इस गाड़ी में आपको कम्प्लीट एक न्यू इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलेगा, जैसा आपको मेट्रो में मिला, जैसा कि आपको मेट्योर में देखने को मिलेगा। डिजिटल प्लस एनालॉग इसमें मीटर होगा, न्यू टेल लाइट, न्यू डिजाइन, काफी कुछ इसमें नए होने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि पुरानी गाड़ी दोस्तों, तो जब गाड़ी आएगी, जब इसके ऊपर हम एक कंप्लीट वीडियो आपको जरूर बनाएंगे और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देंगे, लेकिन जो ये न्यूज है इसका मतलब है कि गाड़ी बहुत जल्दी लॉन्च होने वाली है, बहुत जल्दी आपको मार्केट में दिखने वाली है। मे बी फेब एंड या मार्च तक गाड़ी क्लासिक ये लॉन्च हो जाए रॉयल एनफील्ड कंपनी की तरफ से। होप तो यही करते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कंपनी इन्फॉर्मेशन हर क्वार्टर में एक प्रोडक्ट वो अपना लॉन्च जरूर करेंगे, यानी एक साल में 4 प्रोडक्ट उनके लॉन्च होंगे, जिसमें कुछ नए होंगे, कुछ आप कह सकते हैं कुछ अपडेटेड मॉडल होंगे, बट जो कुछ भी है ये अच्छा होगा हमारे लिए और आप लोगों के लिए कि कंपनी अब अपने मॉडल के ऊपर काफ़ी जोरों शोरों से काम कर रही है। बहुत जल्दी आप लोगों को नए नए प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो क्लासिक 350 नए जनरेशन बहुत जल्दी लॉन्च होने वाली है। और अगली खबर की तरफ रुख करते हैं, अगली खबर भी रॉयल एनफील्ड की तरफ से ही, आप कह सकते हैं कि मच अवेटेड हिमालयन का अपडेटेड वर्जन काफी जल्दी आपको देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ये बाइक भी क्लासिक 350 के साथ ही काफी बार टेस्टिंग करते हुए रोड पर देखी गई है। तो अभी तो इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं कि एग्जैक्ट इसमें क्या बदलाव है, लेकिन जो भी न्यूज़, जो भी मेरे को अपने सोर्स से पता लगा है, उसके अकॉर्डिंग कुछ नए कलर्स आने वाले हैं। इसमें भी आपको ट्रिप नेविगेशन देखने को मिलेगा, इसके कंफर्ट के ऊपर काम किया जा रहा है। इंजन नया नहीं है, इंजन वही होगा, लेकिन उसकी रिफाइनमेंट के ऊपर डेफिनेटली काम किया गया है, उसकी वाइब्रेशन के ऊपर काम किया गया है। और कुछ आपको इसमें कुछ और 2-3 एलिमेंट नए देखने को मिलेंगे, कंप्लीटली न्यू मॉडल नहीं होगा, आप अपडेटेड वर्जन कह सकते हैं, लेकिन ये इसमें जो आपको अपडेट मिलेगी वो एक अच्छे तौर पर अपडेट मिलेगी। काफ़ी कुछ इसमें भी आपको नया देखने को मिलेगा और डेफिनेटली एक ट्रिप नेविगेशन तो इसमें आपको देखने को मिलने ही वाला है, क्योंकि ये एक
टूरिंग पर्पस गाड़ी है तो इसमें ये फीचर डेफिनेटली होना चाहिए। और जो इसकी कुशनिंग के ऊपर काम किया जा रहा है, आप कह सकते हैं कंफर्ट के ऊपर जो काम किया जा रहा है और इसकी राइड प्लेजर के ऊपर जो काम किया जा रहा है, डेफिनेटली इसके इंजन में भी कुछ ना कुछ ओवरहॉल कंपनी की तरफ से जरूर मिलेगा। वाइब्रेशन फ्री गाड़ी इसको भी बनाया जाएगा, लेकिन ये कहना बहुत मुश्किल है कि क्लासिक 350 और मेटियोर की तरह भी इसमें आपको एक कंप्लीटली न्यू इंजन देखने को मिलेगा, तो इसके ऊपर तो कहना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। लेकिन क्योंकि इस तरह की कोई खबर अभी कंपनी की तरफ से आई नहीं है कि हिमालयन के लिए भी कोई नया इंजन कंपनी ने डेवलप किया गया है, डेफिनेटली पुराने इंजन को रीट्यून जरूर करेगी कंपनी, उसके ऊपर जरूर वर्क किया होगा। ऐसा मैं मान के चलता हूँ क्योंकि उसके ऊपर रीवर्क करना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो ये थी खबर हिमालयन की तरफ से, जो कि अकॉर्डिंग टू कंपनी या फिर मैं कहूँ जो इतना मैंने पढ़ा है, देखा है, जाना है मेरे सोर्स के हिसाब से, ये गाड़ी शायद फिंगर क्रॉस के साथ मैं कह रहा हूँ, टेक इट विद ए पिंच ऑफ सॉल्ट, ये गाड़ी शायद आपको जनवरी के एंड तक देखने को मिल जाए कंपनी की तरफ से। शायद कंपनी इसको अनवील कर दे, लॉन्च ना करे, मे बी लॉन्च भी कर दे तो कुछ भी हो सकता है, बट जनवरी के एंड तक आपको ये गाड़ी देखने को दोस्तों जरूर मिल जाएगी। तो ये दो खबरें थी रॉयल एनफील्ड की तरफ से ही। तीसरी खबर भी रॉयल एनफील्ड की तरफ से ही दोस्तों। अगर मैं बात करूं 650 के उनके मॉडल्स की, तो कंपनी अपने कॉन्टिनेंटल GT 650 और आप कह सकते हैं इंटरसेप्टर 650 दोनों ही मॉडल पर काम कर रहे हैं। इन दोनों ही मॉडल को भी टेस्टिंग करते हुए काफी टाइम देखा गया है, तो ये कंप्लीटली अपडेटेड वर्जन है, इसमें कुछ ज्यादा नया तो देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, डेफिनेटली आपको इसमें भी ट्रिप नेविगेशन देखने को मिलेगा, मीटर में कुछ ना कुछ जरूर चेंज होगा, इसकी सेटिंग के ऊपर भी कुछ काम किया जा रहा है। डेफिनेटली इंजन तो ऑलरेडी ट्विन सिलेंडर है, ऑलरेडी एक रिफाइंड इंजन है, काफी अच्छा इंजन है, लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ आपको ट्विक देखने को मिलेगा और डेफिनेटली नए कलर्स आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो जो भी चेंजेस होगा आपको टाइम टू टाइम आपको मेरी न्यूज में पता लगता रहेगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन आप मिस ना कर पाए और आपको इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। तो इंटरसेप्टर 650 और कॉन्टिनेंटल 650 के बारे में जितना भी अभी तक पता लगा है वो यही कि उसमें ट्रिप नेविगेशन आने वाला है, कुछ मे बी कुछ एक दो फीचर ऐड हो जाए, लेकिन डेफिनेटली इंजन पर और इंजन को और रिफाइंड करने की कोशिश की जा रही है और उसमें नए कलर्स आपको देखने को मिलेंगे। मे बी उसमें आपको टायर्स में कुछ चेंज देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी ने उसमें पिरेली के टायर को प्रोडक्शन की जगह पिरेली के टायर की जगह अब सीएट के टायर देखना चालू कर दिया है। ऐसे बाकी काफ़ी अदर कंपनी भी कर रही है, जो पहले जब गाड़ी लॉन्च की थी तो डेफिनेटली उसमें अच्छे कंपनी के टायर देते, आप कह सकते थे इंटरनेशनल टायर दे, जैसे मेटजेलर हो गया, मिशेलिन हो गया, पिरेली हो गया, इस तरह के टायर देते। लेकिन अब कुछ सालों बाद वो या कुछ टाइम बाद आप कह सकते हैं कि अब जैसे कि KTM एडवेंचर 390 पहले उसमें मेटजेलर देखने को मिलता था, लेकिन अब कंपनी उसमें भी MRF दे रही है, उसी तरह से इंटरसेप्टर और कॉन्टिनेंटल GT 650 दोनों में पहले पिरेली के टायर आते थे, लेकिन अब कंपनी उसमें सीएट के टायर दे रही है। तो एक डाउनग्रेड कह सकते हैं, लेकिन अगर आप डाउनग्रेड कर दो डेफिनेटली आपको प्राइस भी उसका कम करना चाहिए दोस्तों। तो ये थी बात इंटरसेप्टर 650 और कॉन्टिनेंटल GT 650 के बारे में, कि उसके ऊपर भी कंपनी अब कुछ ना कुछ जल्दी अपडेट लेकर आएगी। अभी कब वो आएगा, कब लॉन्च होगा, ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता। हाँ, लेकिन इस साल में आपको देखने को जरूर मिल जाएगा, मे बी एट द एंड ऑफ ईयर फेस्टिव सीजन के टाइम पे आपको ये बाइक जरूर देखने को मिलेगी। उसी तरह से अगर मैं चौथी न्यूज की बात करूँ दोस्तों, तो अगली न्यूज है वो भी रॉयल एनफील्ड के बारे में ही, इंटरसेप्टर 350। जी हाँ दोस्तों, इंटरसेप्टर 350 को भी टेस्टिंग करते हुए काफी बार रोड पर देखा गया है, काफी बार उसके भी स्पाई शॉट आ चुके हैं, आप वीडियो में देख रहे होंगे उसकी पिक्स और आगे वीडियो भी उसकी आपको देखने को जरूर मिलेगी। तो इसको भी काफी बार टेस्टिंग करते हुए पकड़ा गया, इसमें डेफिनेटली मेटियोर वाला ही इंजन आपको देखने को मिलेगा। 650 एक ट्विन सिलेंडर इंजन है, तो उसमें आपको डबल साइलेंसर देखने को मिलते थे, लेकिन ये सिंगल सिलेंडर इंजन है तो डेफिनेटली इसमें आपको केवल वन साइड माउंटेड साइलेंसर ही, एक ही साइलेंसर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इस गाड़ी में रिपीटेड जैसे कि मेटर में रिफाइनमेंट है, इसमें आपको रिफाइनमेंट मिलने वाली है। और क्या नया मिल रहा है, क्योंकि अगर डिजाइन की बात करूँ तो डेफिनेटली 650 की तरह ही जो इंटरसेप्टर में आता था, लेकिन इसमें डेफिनेटली कॉस्ट कटिंग के चक्कर में कुछ ना कुछ चीज़ें आपको कम देखने को मिलेंगी। लेकिन एक कंपनी अपने नए नए प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रही है, हमारे लिए अच्छा है डेफिनेटली आप कह सकते हैं, और कंपनी अपने यूजर्स के बारे में यूजर्स को सुनने लगी है, आप कह सकते हैं कि जो भी उनके इस्तेमाल करते हैं उनके बाइक
उनकी बातें सुनने लगे, समझने लगे हम लोगों को क्या जरूरत है, क्या नीड है हमारी, उसी तरह से अपने प्रोडक्ट को अब रॉयल एनफील्ड डेवलप करने लग गया, उनके ऊपर अच्छी तरीके से वर्क करने लग गया है। इन फ्यूचर काफी प्रोडक्ट और उनके पाइपलाइन में, हायर कैपेसिटी बाइक भी उनकी पाइपलाइन में, लेकिन वो कब देखने को मिलेगा ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। मे बी नेक्स्ट ईयर आपको कुछ अच्छे मॉडल देखने को मिल जाए, अगर पॉसिबिलिटी हुई 2022 में अगर ऑटो एक्सपो हुआ तो डेफिनेट, अगर 2022 में ऑटो एक्सपो हुआ और रॉयल एनफील्ड ने वहाँ पार्टिसिपेट करा तो डेफिनेटली हमको हमें उनके आगे रोड मैप क्या होने वाला है, क्या नए प्रोडक्ट आने वाले हैं उनकी झलक डेफिनेटली देखने को जरूर मिलेगी। और पॉसिबिलिटी हुई अगर वो ऑटो एक्सपो में ना आए तो आइकमा में तो वो डेफिनेटली पार्टिसिपेट लेंगे ही लेंगे दोस्तों। तो दोनों जगह काफ़ी अच्छी पॉसिबिलिटी है कि रॉयल एनफील्ड अपना रोड मैप दिखाए इन फ्यूचर का, लेकिन जो अभी अब टेस्टिंग चल रही है ऑलरेडी मैं आपको चार मॉडल बता चुका हूँ, क्लासिक 350, हिमालयन, नए इंटरसेप्टर और कॉन्टिनेंटल जीटी पे भी वर्क कर रहे हैं और इंटरसेप्टर 350 पे भी वर्क किया जा रहा है। रॉयल एनफील्ड की अगली न्यूज की बात करूँ तो दोस्तों सबसे जो मच अवेटेड आप बाइक अभी तक कह सकते हैं या जो अभी तक की जो बेस्ट बाइक अभी तक हमने टेस्ट करते हुए देखा रॉयल एनफील्ड की तरफ से वो है क्रूजर 650। उसके अभी कोई नाम या कोड नेम बाहर नहीं आया, हर उसकी डिजाइन लैंग्वेज से ही उसको क्रूजर 650 किया बोला जा रहा है 650 इसलिए क्योंकि उसमें भी सेम इंटरसेप्टर और कॉन्टिनेंटल जीटी वाला 650 ट्विन सिलेंडर इंजन उसमें यूज किया जा रहा है, जो ऑलरेडी एक ट्राई टेस्टेड काफी अच्छा इंजन है, काफी अच्छी पावर जनरेट करता है और काफी अच्छी उसके अंदर रिफाइनमेंट है। डेफिनेटली ये रॉयल एनफील्ड के पास एक प्लस पॉइंट है कि उसके पास एक 650 का इतना अच्छा इंजन उसके पास है और अब वो उसका यूज करने लगा है अपने अदर्स मॉडल में भी। उस इंजन में हम बहुत ज्यादा नए मॉडल्स जरूर देखने को मिलेंगे, जैसे कि मैंने आपको अपनी पहले बताया कि रॉयल एनफील्ड अपनी हायर कैपेसिटी बाइक्स के ऊपर काम कर रहा है तो इन फ्यूचर और मॉडल्स के में भी हमें वो इंजन देखने को मिलेगा। और सबसे ज्यादा जो इस इंजन का वेट हो रहा है वो हो रहा है हिमालयन 650। हिमालयन 650 कब आएगी इंडियन मार्केट में, सबसे पहले तो इंडिया में ही आना है लेकिन वो कब आएगी अभी इस बारे में कंपनी की तरफ से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है, कंपनी ने अभी तक कुछ नहीं बताया। जो टेस्टिंग होता हुआ देखा है वो भी करंट जनरेशन जो हिमालयन है उसी को कुछ अपडेटेड करके ही कंपनी उसको दोबारा से लॉन्च करने जा रही है। तो आपको बहुत जल्दी जून तक क्लासिक 350 और हिमालयन दोनों का ही लॉन्च देखने को मिल जाएगा कंपनी की तरफ से। लेकिन ये जो क्रूजर 650 है इसमें जो इंजन है डेफिनेटली 650 ट्विन सिलेंडर इंजन यूज किया जा रहा है काफी टाइम इसमें को इसको इस काफी बार इसके स्पाई शॉट हमारे सामने आ चुके हैं, इसमें आपको पहली बार कंपनी की तरफ से अपसाइड डाउन शो कर देखने को मिलेंगे। अलॉय व्हील आ रहा है लेकिन जो इसकी सेटिंग पोजिशन है वो एक कंप्लीटली क्रूजर लुक इसको दे रही है, जैसे कि एक एग्जैक्ट क्रूजर की लुक होती है। एक हैवी बाइक, काफी हैवी लग रही है, प्रीमियम देखने को लग रही है और उम्मीद करते हैं इसमें काफी कुछ हमें सेगमेंट फर्स्ट इसमें देखने को मिलेगा क्योंकि कंपनी इस पे काफी टाइम से वर्क कर रही है। तो इंजन की बात करते हैं, इंजन तो ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड है लेकिन जो इस तरह से स्पाइड शॉट आ रहा है आप देख सकते हैं कि इसमें आपको स्प्लिट सीट मिल रही है, वाइड हैंडल बार मिल रहा है, आपको अलॉय व्हील भी मिल रहे हैं। डेफिनेटली अगर 650 इंजन है तो ब्रेकिंग कैपेबिलिटी उसकी उतनी अच्छी होनी चाहिए, तो आपको दोनों टायर में डिस्क ब्रेक मिलेगा और जो इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसको भी एक कम्प्लीटली आपको नया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलेगा। तो काफ़ी कुछ इसमें आपको नया देखने को मिलेगा लेकिन ये कब लॉन्च होगा अभी इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकते। अगर वो इसी साल लॉन्च करेगी रॉयल एनफील्ड इस बाइक को तो आपको एट द एंड ऑफ दिस ईयर आपको देखने को मिल जाएगी, और अगर थोड़ा लेट हुआ तो आप कह सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर, बट वो फर्स्ट क्वार्टर नेक्स्ट ईयर तक आपको देखने को मिल जाएगी। अगर रॉयल एनफील्ड उस पर पूरी तरह से काम करती है और कोशिश करती है तो आपको गाड़ी इस साल के अंत तक देखने को मिल सकती है, लेकिन इन फ्यूचर जैसे उसकी और कोई इन्फॉर्मेशन मेरे पास आती है तो दोस्तों आपके साथ मैं जरूर साझा करूंगा, आपको डेफिनेटली इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी आपके पास वो नोटिफिकेशन आएगा दोस्तों, तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों आज की सबसे ज्यादा खबरें रॉयल एनफील्ड की तरफ से ही आ रही है क्योंकि ऑलरेडी वो काफी ज्यादा प्रोडक्ट पर टेस्टिंग करना स्टार्ट कर चुका है हर एक टाइम पीरियड के इंटरवल पर, कभी क्लासिक, कभी हिमालयन, कभी क्रूजर 650, कभी इंटरसेप्टर 650, कभी इंटरसेप्टर 350, सभी मॉडल्स के ऊपर आ रही अभी वर्क कर रहा है। लेकिन ये कोई क्लियरिटी नहीं है कि कौन सी बाइक कब लॉन्च हो जाए, लेकिन हाँ आपको क्लासिक 350 और हिमालयन बहुत जल्द ही
आपको इंडियन मार्केट में देखने को मिल जाएगा। बहुत ही जल्द इन दोनों बाइकों को लॉन्च हो जाएगा, मे बी नेक्स्ट 3 to 4 months के अंदर दोनों बाइक लॉन्च हो जाएंगे। और जैसा मैंने आपको बताया, और एक हिमालयन, जिसकी टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, हिमालयन शायद आपको जैन के एंड तक देखने को मिल जाए, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, अगर 3 से 4 महीने के अंदर आपको क्लासिक 350 और हिमालयन दोनों ही आपको इंडियन मार्केट में देखने को मिल जाएगी, कंपनी की तरफ से दोनों बाइक लॉन्च हो जाएगी। तो ये कुछ खबरें थी आज की दोस्तों रॉयल एनफील्ड की तरफ से। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो ऑटो न्यूज़ के बारे में। तो ये आप कह सकते हैं आज की जो वीडियो थी स्पेसिफिक रॉयल एनफील्ड के ऊपर थी, क्योंकि डेफिनेटली रॉयल एनफील्ड इतने प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रहे थे, उसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाना मेरे लिए जरूरी हो गया था, क्योंकि इतनी खबरें थी कि एक कंप्लीट, आप देख सकते हैं कि एक कंप्लीट वीडियो केवल रॉयल एनफील्ड के ऊपर ही बनी है। मैंने इस वीडियो में किसी और प्रोडक्ट या किसी और कंपनी के बारे में बात नहीं करी है, क्योंकि इतने प्रोडक्ट हैं कंपनी के पास जिनके ऊपर टेस्टिंग चल रही है ऑलरेडी, और इतने ही प्रोडक्ट कंपनी के पाइपलाइन में है जो बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको पता हो तो ऑलरेडी कंपनी ये कह चुकी है कि वो 1 साल में 4 प्रोडक्ट लॉन्च करेगी, और कंपनी के पास जो प्लान है वो अपने आगे आने वाले 4 से 5 साल के ऑलरेडी प्लान वो बनाकर बैठी है। तो आप कह सकते हैं कि कितने प्रोडक्ट होंगे कंपनी के पास, जिसमें से कुछ प्रोडक्ट अपडेटेड मॉडल हैं और उनमें से कुछ प्रोडक्ट आपको बिल्कुल नए प्रोडक्ट मिलेंगे जो इंडिया में लॉन्च होंगे। कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट हैं जो केवल इंटरनेशनल मार्केट में, ऐसा कंपनी की तरफ से सुनने में आया है। और कुछ प्रोडक्ट आप कह सकते हैं कि कंपनी इन फ्यूचर अपने इलेक्ट्रिक मॉडल के ऊपर भी काम करने वाली है, क्योंकि डेफिनेटली जो फ्यूचर वो इलेक्ट्रिक है दोस्तों। लेकिन रॉयल एनफील्ड में से अगर थम चला जाएगा तो क्या बचेगा, यही मैं कभी कभी सोचता हूँ। अगर इलेक्ट्रिक के ऊपर कंपनी काम करेगी तो क्या ये मॉडल कंपनी कंटिन्यू करेगी, या इन फ्यूचर में ये मॉडल कंटिन्यू हो पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से पोल्यूशन की प्रॉब्लम डे बाय डे बढ़ती जा रही है और इलेक्ट्रिक की तरफ इतना सरकार की तरफ से जोर दिया जा रहा है, और कंपनी भी उसके ऊपर बहुत जल्दी काम करना स्टार्ट कर दिया है। कुछ कंपनी ऑलरेडी वर्क कर चुकी है, कुछ कंपनी के प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में आ चुके हैं। तो डेफिनेटली मैं भी अपनी फ्यूचर वीडियो में भी आपको बहुत जल्दी कुछ इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो स्पेसिफिक रॉयल एनफील्ड के सभी प्रोडक्ट के ऊपर। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो डेफिनेटली मुझे कमेंट करके जरूर बताने की आपको आज की सबसे बेस्ट न्यूज़ कौन सी लगी है। तो दोस्तों अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आप भी कोई भी मेरी वीडियो की कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना कर पाए। और नोटिफिकेशन मिस कर देंगे तो वीडियो मिस कर देंगे, और दोस्तों वीडियो मिस हो जाएगी तो आपकी इन्फॉर्मेशन भी मिस हो जाएगी। तो मेक श्योर कोई इन्फॉर्मेशन आपकी मिस ना हो पाए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहां तक देखिए, तो वीडियो को लाइक के बिना नहीं जाना, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप स्माइल।